वेलकम टू माय चैनल भोजशाला। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है, जिसका नाम है लिट्टी चोखा, जिसे हम बाटी चोखा भी कहते हैं। ये पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस है, हर कोई खाता है। हम इसे ओरिजिनल तरीके से बनाएंगे जैसे कि ये बनाई जाती है। इस रेसिपी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, डिटेल्स हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर ये रेसिपी अगर आपको सभी को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गेहूं का आटा लेंगे, इसमें हम नमक डालते हैं, बेकिंग पाउडर। अब सभी को एक साथ अच्छे से हमें मिला लेना है। नमक और बेकिंग पाउडर को पूरे आटे में अच्छे से मिलाना है। अब देसी घी डाल देते हैं। देसी घी और बेकिंग पाउडर इसलिए हमने डाला है क्योंकि क्या है कि जो ये बाटी बनने वाली है वो बहुत सॉफ्ट और खस्ता बनेगी। अब सभी को एक साथ मिला लेना है। आटे को हम गूंद लें। अब जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते समय जैसा आटा हमको लगता है सॉफ्ट, वैसे ही हमें आटा गूंदना है। पानी हमारा नॉर्मल ही होना चाहिए, ना गर्म हो और ना ठंडा हो, नॉर्मल पानी से ही हमें आटा गूंदना है। आटा हमारा अब गूंद चुका है, अब एक साइड हम रख देते हैं। अब हम बना लेते हैं इसका स्टफिंग। सत्तू का आटा लिया है, चने का सत्तू है, इसमें हम नमक डालते हैं, चुटकी भर हींग, अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ या कद्दूकस किया हुआ भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च, प्याज बारीक कटा हुआ, हरी धनिया, अमचूर पाउडर, कलौंजी, मंगरेल भी कहते हैं, अजवाइन और थोड़ा सा नींबू का रस। अचार का मसाला भी डाला है थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए, और सरसों का तेल। सरसों का तेल क्या होता है कि इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से मिल जाता है, टेस्ट को बढ़ाता है, और बिहार के ज़्यादातर खानों में सरसों का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब सभी मसालों के एक बार फिर से मिला लें। हम हल्का सा पानी डालना है। पानी इसलिए हमने डाला है क्योंकि क्या है कि ये जो हम स्टफिंग बनाएंगे वो अच्छे से अंदर ही रहे, वो बाहर ना निकले। मुट्ठी बन जाने पर ही तैयार हो चुका है, समझ लीजिए। अब आटा जो हमने लगा लिया था वो हम निकाल लेते हैं, अच्छे से फिर से हम गूंथ लेते हैं। इसकी लोइया ले लेते हैं। लोई आप अपने इच्छा अनुसार बड़ा या छोटा जैसा भी चाहे आप ले सकते हैं। अब हमें कुछ इस तरह से लोई लेनी है और बनानी है क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग भरना है, तो जैसे कटोरी से हमें बना लेनी है। अब हम सत्तू का स्टफिंग भरेंगे। सत्तू में पानी इसलिए हमने डाला था क्योंकि ये जो सत्तू है वो थोड़ा सा एक साथ मिला रहे, क्योंकि सूखा अगर रहेगा तो स्टफिंग अच्छे से भर नहीं पाएगी और बाहर निकल आएगी। अब हम इस तरह से बंद कर लेते हैं, पोटली जैसा बना लेते हैं। चारों तरफ से अच्छे से बंद कर लें जिससे कि स्टफिंग बाहर ना निकलने पाए। अब गोल गोल करके इस तरह से हमें बना लेना है। हम बाकी के भी बना लेते हैं, और ये हम कुछ दूसरे तरीके से हम पोटली बना रहे हैं। आपको जो तरीका आसान लगे आप वैसे भी बना सकते हैं।
जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल लेंगे। अब इस तरह से गोल गोल करते हुए हम इसे चपटा कर लेंगे, क्योंकि लिट्टी दो तरह से भी बन सकती है, गोल गोल भी बन सकती है और इस तरह से पेड़े जैसे भी बन सकती है। आप जैसा शेप चाहें आप वैसे भी बना सकते हैं। देखिए ये कुछ गोल है और एक चपटी है। दोनों शेप में ही लिट्टियाँ बनती हैं। आप जो आपको जो शेप पसंद हो आप वैसे ही बना सकते हैं। हम इसी तरह से बाकी की लिट्टियाँ भी बना लेंगे। चोखे के लिए हमें गोल गोल बैंगन चाहिए। बैंगन देख लें कि इसमें छेद ना हो, अगर छेद हो तो उसमें कीड़े होने का डर होता है। बैंगन लेना है, टमाटर लेना है और आलू लेना है। अब हम इसमें जो बैंगन है उसे हम चीरा लगा लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें चीरा लगाना है। थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें चीरा लगाना है इस तरह से। अब हम इस चीरे में एक एक लहसुन का कली डालते जाएंगे। लहसुन इसलिए हम डाल रहे हैं इसके अंदर क्योंकि जब ये बैंगन सिकेगा आग पे तो जो लहसुन है वो भी सिकता रहेगा और इसकी जो सौंधी खुशबू है वो पूरे चोखे में आ जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। हम इसी तरीके से बाकी के लहसुन भी हम बैंगन में डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लेते हैं, सरसों के तेल का। तेल इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि जब ये सिक चुका होगा बैंगन और ये आलू और टमाटर तो इसके जो छिलके हैं वो आसानी से निकल पाएंगे, इसलिए हम इसमें तेल लगा रहे हैं। आइए अब हम चूल्हा तैयार कर लेते हैं। चूल्हा हमारा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर एक जाली रखना है। जाली के ऊपर ही हम सब्जियां सारी रख देंगे। बैंगन रख देंगे, आलू और टमाटर सारे एक साथ रख देंगे। अगर आपके पास जाली ना हो तो आप ऐसे भी डायरेक्ट आग के ऊपर रख सकते हैं। बहुत गर्म होता है ये जो आग निकल रही है, बहुत गर्म होता है जिसके कारण से चिमटे की सहायता लेनी पड़ेगी। इसका खास ध्यान रखें कि हाथ ना जले आपका, क्योंकि हमें बार बार इसे पलटते रहना होगा चारों तरफ से, इसलिए आप चिमटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी जो चोखे की सब्जियां हैं वो बहुत हद तक पक चुकी हैं। अब चारों तरफ से अच्छे से घुमा लेना है। आलू का भी जो छिलका है देखिए बहुत अच्छे से निकल चुका है, पर आलू है तो थोड़ा टाइम लगता है पकने के लिए अंदर तक, कुछ देर के लिए हमें और पकाना है। टमाटर जो है बहुत सॉफ्ट होता है तो बहुत जल्दी पक जाता है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा और फिर हमारा तैयार हो जाएगा चोखा। फिर हमारी सब्जियाँ
सारी पक चुकी होंगी, सब तैयार हो चुका होगा। धीमे धीमे आंच पे ये अब पक रही हैं। कुछ देर के लिए और पकाना है। आंच को हमने बढ़ा लिया था क्योंकि थोड़ा क्योंकि कम आंच पे भी ज़्यादा सही से जो सब्जियां हैं नहीं पक पाती हैं। आप अपने आप देख लें जिस तरह से आपको ज़रूरत पड़े, आप आंच को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। टमाटर तो हमारा बहुत पहले ही बन चुका था, अब हम निकाल लेते हैं। टमाटर क्योंकि सॉफ्ट होता है बहुत जल्दी पकता है। आलू को भी हम निकाल लेंगे और बैंगन भी हो चुका है हमारा, बैंगन को भी हम निकाल लेते हैं। अब बारी है लिट्टी जो हमने बनाई थी, अब उसे सेकने की बारी है। आंच का हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा तेज आंच पे हमें नहीं सेकना है क्योंकि क्या होगा कि ऊपर का जो लेयर है वो ज़्यादा जल्दी पकेगा और अंदर वो कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमें पलटते रहना होगा। आप अगर चाहें तो आप गैस के ऊपर भी आप पका सकते हैं, क्योंकि चूल्हा अगर ना हो आपके पास तो गैस एक ऑप्शन है। गैस है या ओवन है, आप जिस पे चाहे आप लिट्टियाँ पका सकते हैं। पर हमने यहाँ ओरिजिनल तरीका अपनाया है, जैसे बिहार में बनता है वैसे ही हमने इसे बनाया है, तो हमने चूल्हे पे का इस्तेमाल किया है। अब हम देख लेते हैं हमारी सब्जियां बन चुकी हैं, हम छिलके अब वो निकाल लेते हैं। देखिए बहुत आसान तरीके से ये छिलके निकल रहे हैं क्योंकि हमने तेल लगा लिया था। अभी सब सब्जियों को अच्छे से साफ कर लेना है हमें। लहसुन जो हमारा पक चुका है, लहसुन जो डाला था हमने बैंगन के अंदर, अब हम निकाल लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं। अब सभी को एक साथ हम मैश करना है हमें, बैंगन को, आलू को, टमाटर को, सभी को एक साथ, लहसुन को भी। देखिए बहुत अच्छे से ये सिक चुका है क्योंकि इसका जो रस है बैंगन का और टमाटर का बिल्कुल भी कहीं नहीं गया है, बिल्कुल भी लॉक हो गया था जब हम सेक रहे थे इसे, क्योंकि इसका जो छिलका था वो बिल्कुल भी बाहर निकलने नहीं दिया। अब कांटे की सहायता से, फोक की सहायता से, या मैशर हो आपके पास उससे आप अच्छे से मैश कर सकते हैं। अब चोखा मैश हो चुका है, इसमें हम और चीज़ें डालते हैं, अदरक लहसुन और मिर्च, प्याज, हरी धनिया, नमक, नींबू का रस थोड़ा सा, अगर आपको चाहिए तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं आप, सरसों का तेल। फिर से सरसों का तेल बहुत ही हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, क्योंकि चोखे को और टेस्ट बढ़ाने के लिए हमें सरसों का तेल डालना ही है। अब सभी को एक साथ फिर से अच्छे से मिला लें हम। अब इसे थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए, टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम इसमें हरी चटनी भी डाल देंगे। हरी चटनी डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छे से निखर के आता है चोखे का। चोखा हमारा अब रेडी हो चुका है, हमारी लिट्टियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, बस अब हम इसमें घी डालेंगे। घी में डुबोना है, इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करना है लिट्टियों को, जिससे कि जो घी है वो अंदर तक सोक कर ले। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं दिखने में,
और खाने में भी बहुत अच्छी हैं अगर आप जब भी बनाएंगे। आई होप कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी ये लिट्टी चोखा या बाटी चोखा हरी चटनी के साथ, ओरिजिनल तरीके से बिहार की फेमस रेसिपी। ये रेसिपी अगर आपको सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।